सेंटर खुशामदी कहती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को, मेरे अच्छे साथियों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके लिए इतनी अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ जिसको आप लोग खाएं बनाएं, अगर नहीं खाते हैं तो एक दफा ट्राई करके जरूर देखें। टेस्ट वाइज बहुत अच्छे होते हैं। मुर्गी के संगदाने पूरी मीडिया में हर जगह कुकिंग में कोटे लिखे हैं, कोटा नहीं होता वो, जस्ट लाइक बट गाय की और ओजड़ी, गाय की ओजड़ी बट होती है वही मुर्गी का संगदाना होता है। मुर्गी का कोटा जो होता है गर्दन से थोड़ा सा नीचे झीली नुमा होता है, उसमें वो बुरा लेती है और फिर ये संगदाने में आता है। और संगदाने में आने के बाद बिल्कुल पीस के फिर जो भी हिसाब बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही, और ये हजम अगर आप उसको सही गला ले तो उन मरीजों के लिए जो अच्छे होते हैं, जो खवातीन प्रेगनेंसी से होती हैं उनको सबको इसका कीमा बना के भी दें और उनको खिलाए, बहुत अच्छा रहता है गलाने के बाद। तो वो मैं आज लेकर हाजिर हुई हूँ बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज और तरीके से। तो आइए चलते हैं बहुत जरूरी है। और मैं रोजाना आप लोगों को ताकीद से ये सिखाना चाह रही हूँ और सीख गई होंगी मेरी बहुत सी बहनें माएँ अच्छी तरह से हाथ धोना। माएँ क्यों कह रही हूँ कि हाथ धोना को जरूरी नहीं कि कुकिंग की वजह से ही हो, वैसे भी किया जा सकता है। आइए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जैसा कि मैं अपनी व्यूअर्स को बताना चाहूँगी लोगों को कि आज मैं जो रेसिपी लाई हूँ उसे कहते हैं मुर्गी का संगदाना। मुर्गी का संगदाना और उसको मैंने धोकर खूब अच्छी तरह बॉइल करा है, इसी के पानी को इसके अंदर जज्ब करा है ताकि गजाइयत गायब ना हो। इसकी बड़ी अफादियत है, ये मैदे के लिए फौरन खून बनाता है, मैदे के लिए, जिगर के लिए, सबके लिए बहुत मुफीद है, मरीजों के लिए भी बहुत इस्तेमाल होता है। इसको कहते हैं संगदाना। कोटा वो होता है जो मुर्गी के साइड में लगा हुआ होता है, उसमें सारा दाना बना जाता है। संगदाना जस्ट लाइक ओजड़ी, जो जैसे बड़ी ओजड़ी होती है बट होती है, ये मुर्गी की बट है। संग कहते हैं फारसी में पत्थर को, दाना कहते हैं पीस को छोटे से, तो दाना संग दाना। इसमें वो कोटे से जब गजा जाती है तो बिल्कुल पीस के निकलती है, इसीलिए फारसी जबान उर्दू जो है असल में पूरा मजमुआ है कहना चाहिए लश्करी जबान कहलाती है, और ये संगदाना उसी से फारसी के लफ्ज से आया कि ये कोटा नहीं है, लेकिन पूरे मीडिया में कोटा कोटा लिखा हुआ है, मैं कभी गलत चीज़ नहीं बता सकती, इसको संगदाना कहते हैं। अच्छा बेटा ये है एक किलो, बहुत गौर से एक किलो धो धा के साफ करके आगे पीछे इसकी सारी मैं आपको हाथ से ही दिखाऊंगी, सब चीज साफ करके इसको बहुत अच्छी तरह से 20 मिनट कुक किया हुआ है जोश आने के बाद। 20 मिनट कुक किया, मेरे आज बहुत तकलीफ है बाजू में। और ये बेटा ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं बड़े साइज के, इनको मैंने काटा है, इसमें प्याज नहीं जाएगी, ये बिल्कुल फ्राई किक कहलाता है जो मैं पकाती हूँ जिस तरह से, हजारों तरकीब है बेटा लेकिन आज मेरी वाली ये तरकीब, वक्त हुआ तो और आपको दूसरे भी बताएंगे। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और इसके अंदर सॉल्ट मौजूद होता है, कम सॉल्ट जाएगा, इसके अंदर कुदरत ने सॉल्ट दिया होता है, नमकीन होता है, तो ये आधा चाय का चमचा नमक जाएगा। देखिए कभी भी याद रखें नमक ज़्यादा से कम नहीं हो सकता, कम से ज़्यादा हो सकता है, बाद में चख लें, अगर घर वाले कोई ज़्यादा खाते हैं तेज़ नमक पसंद करते हैं तो डाल लें। ये जाएगा बघार के अंदर, मैं शुरू में ही डालूंगी सारी चीज़ें। ये मेथी दाना खुशबू देगा ये, और 3 लौंगे हैं बेटा, मेथी दाना 10 है? बेटा अब ये 2 चुटकी ले लो बस, समझ लो आप, ये मैं भूलती नहीं हूँ, मैं सिर्फ मतलब ये कि बताती हूँ कि अब 1 चमचा नहीं है, 1 चमचा काली मिर्च से चाय, 3 लौंगे हैं, 10 काली मिर्चें हैं। अब ये मैं बताना चाहूँगी आपको, ये काली मिर्च का फ्लेवर आएगा बड़ा अच्छा, इलायची का आएगा, लौंग का आएगा, किस वजह से आएगा, 4 छोटी इलायची हैं, क्यों आएगा, ये गार्निशिंग के लिए अदरक है और हरा धनिया, ये क्यों आएगा, ये डालेंगी साबुत 6 लाल मिर्चें, इनको तोड़ के मैं इसमें डालूंगी और फिर देखिए किस तरह हम भूनते हैं हम आपके सामने। अम्मी अदरक कितनी है बेटा, अभी मैं बताती हूँ, अदरक वही मैं हमेशा लेती हूँ 1 इंच का टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा लेके उसको मैं असल में काटती बहुत बारीक हूँ, आप देख रहे। अच्छा हरा धनिया वही हसबे साबे कल्ला मैं लेके आई हूँ, 1 गड्डी पता नहीं कहाँ मुरमुरा के, यह हशर हो रहा है, बहुत गर्मी है बेटा,
बाहर बारिश भी हो रही है इस वक्त माशाल्लाह से। और हरी मिर्ची कितनी है? हरी मेरे से 2 अदद है बेटा। इन हरी मिर्चों को मैंने बीच में डालना है और दो दो पीस कर लिए ऐसे करके, चार 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 पीस कर लिए, 2 हरी मिर्चों के 8 पीस हो गए होंगे कम अज कम। और आइए चलते हैं कुकिंग की तरफ। ये ऑयल डालूंगी मैं, वही मेरा जो कायदा है, 2 चमचे नाम के डालूंगी आपके सामने। फ्लेम ऑन करने जा रही हूँ, कुक करने के लिए जा रही हूँ। आइए चले कुकिंग की तरफ। सारा पक के तैयार होगा इंशाल्लाह, जैसे मैं ले रही हूँ, क्योंकि ये टोटल फ्राई है, कढ़ाई टाइप का सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये प्याज व्याज कुछ नहीं जाती बेटा इसमें। अब देखें आप, मैं आपके सामने क्या डाल रही हूँ। सबसे पहले मेथी दाना, ये काला नहीं होना चाहिए आज। मैं डायरेक्ट बस ये आपने हटाना नहीं है कैमरा, ये सब डाल रही हूँ मैं इसमें। इलायची बड़ी एक, 4 अदद छोटी इलायची, प्लस 3 लौंगे, 10 काली मिर्चें। ये अंदर जाएगा इसके। अब जाएगा क्या, जो मैंने आपको लाल मिर्चें, देखिए कुक होना शुरू हो गया, लाल मिर्चों को 2-2 पीस कर लिए। ये भुन सा जाएगा हिसाब किताब, जैसे ही मैं देखूंगी कि ये थोड़ा सा ब्राउन हो गए मेथी दाने, बस मैं देखूंगी ब्राउन हो गए मेथी दाने, मैंने इसमें टमाटर शामिल कर और हरी मिर्च। सबसे पहले हमने क्या डालना है इसके अंदर, टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी वगैरह कुछ नहीं आती है, वेरी वेरी सिंपल और उतनी ही मजेदार, उतनी ही टेस्टी और उतनी ही ताकतवर। जितना आप हल्के मसाले रखेंगे आपको खाने में तकलीफ नहीं होगी। और ये बेसिकली बहुत से जो मरीज जो ऑपरेशन से जो उठते हैं मरीज, उनके लिए पाए चिकन के और उनके लिए वैसे बीफ के पाए का शोरबा बगैर रोगन का। चिकन के पाए होते हैं पंजे जो होते हैं ना, वो पाए हो जाते हैं आगे से, उसको थोड़ा सा कट करके। मैं इंशाल्लाह सती आने में फिर मैं उसकी रेसिपी भी लाऊंगी। 2 तरह की होती है, फिर मेथी वगैरह के साथ शोरबे का होता है इनका, और एक कुक होता है कोरमे के मसाले को शोरबे की तरफ से हल्का सा कुक करके भी बनते हैं, प्याज ब्राउन करके उसके अंदर ही रहने देते हैं। वो बड़े मज़े के और शोरबा और वो करके वो बच्चे बड़े मज़े से खाते हैं भाई। और एक यखनी सर्दी में लाऊंगी मैं आपको, खास तौर से जो मजा करेंगे, लेकिन मैं इतना ज़्यादा इसको नहीं, हाथ थोड़ा सा कुक करने के बाद इसके अंदर मैं अभी देखिएगा क्या करती हूँ। अभी दाल शामिल करूँगी मैं इसमें थोड़ा सा, ये देखिए चला। ये सिर्फ 10 मिनट 8-10 मिनट की रेसिपी है सामने सामने, इसमें कुछ नहीं किया। हरी मिर्चें नहीं, अब रह गई काली मिर्चें, नमक और लहसुन अदरक रह गया है। अब ये देखिए वो कैसे इस्तेमाल होगा, अभी आप देखिएगा। खुश रंग खुश जायका, मरीजों को उसका फीमा बना करके खास तौर से तेल दिया जाता है हमारे यहाँ। मरीज जो सेहत पाते हैं उठते हैं तो उनको इसको गलाया, जितना गला होगा उतना ही अच्छा रहेगा। ये इसमें मैंने देखी शामिल करें तो गए सकता है और कभी जाइएगा। ये गए लहसुन अदरक का पेस्ट, ये गया नमक, आखिर में रह जाएगी काली मिर्ची है वो बाद में जाएगी। ये हम आपके सामने देखें कुक कर रहे हैं, कुछ रंग सिंपल रेसिपी जो झटपट तैयार होने वाली है। कैसे बेहतर हुई पहले इसको बॉइल करें, हर जो दूसरी रेसिपीज है उनमें बॉयल नहीं किया जाता, इसमें बॉयल करा जाता है, हर एक में बॉयल नहीं करा जाता। इसको अगर हम गला के पकाएंगे तो इसके टमाटरों का भी हशर, या फिर बाद में दूसरे तरीके से टमाटर इसके अंदर डालें तो सही रहेगा। टमाटरों को ज़रा सा थोड़ा ऐसा रखना है थोड़ा कि बिल्कुल गले भी नहीं, जैसे आपको नजर आ रहा है उन्होंने अपना छिलका विलका सब खत्म कर दिया है, ये भूल रहा है लहसुन अदरक के अंदर। खुशबू आ जाएगी और जो हमने मेथी डाला डाला है वो इसकी फ्लेवर को अरोमा को बहुत अच्छा कर देगा। आप देखिए कितना ज़बरदस्त चिप्स तैयार हो गए, अभी बस डिश आउट करने में थोड़ी सी देर रह गई है। मैंने हरी मिर्च भी जो है वो अपना कलर देगी कि हाँ मैं हूँ। अब डालेंगी
इसमें काली मिर्ची यकीन करें काम करने इधर आपने कपड़े लगाए मशीन लगाई घर में अकेली खातून काम करने वाली एक तरफ से धो साफ करके धो धाने के पलने चढ़ा दिया लिया भूल लिया 10 मिनट बच्चे लिए कुछ बहुत मजे से भाई मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं बहुत शौक से और मैंने मेरे खानदान में ही माशाल्लाह माशाल्लाह खाने वालों में से खाने वालों में से भी मैं बस इसको ऑयल छोड़ा है ये तकरीबन ये ऑयल छोड़ेगा अभी छोड़ा नहीं जैसे ही ऑयल छोड़ेगा एक मिनट लगेगा इसको ऑयल छोड़ने में और डिश आउट अच्छा लग रहा है ये रेसिपी कैसी है हाँ दिल चाहने लगा खाने का कि नहीं चाहा मेरी बेटी बड़ी मेरे लिए बेचारी मेहनत करती है बेटा बेटी सब माशाल्लाह कॉपरेट करना एक दूसरे से ये बिल्कुल ये कि आप ये जो आप सब कुछ देख रहे हो तो ये सिर्फ एक बंदे का काम है ये होता है टीम वर्क और मेरे व्यूअर्स मुझे लाइक करने लगे हैं मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने लगे हैं मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है यही भी फरमाइशी प्रोग्राम है और हैदराबादी बिरयानी पुलाव आने वाला है हैदराबादी पुलाव जो मैं अभी वो भी डालने वाली हूँ इंशाल्लाह वो फरमाइश है वो भी और दुलारी वो भी मैं इंशाल्लाह ताला सब अभी ये फरमाइशी प्रोग्राम हो रहा है जितना मेरा अपना नहीं है माशाल्लाह मैंने कल के सुबह गई थी जब ये लेके आई हूँ मैं खुद अपनी पसंद से चीज लेती हूँ बेटा संगाने में लेके आई हूँ जैसा कि आपने मेरे देखी की रेसिपी में जो मैंने बनाया था चरगा मैं खुद जा करके खरीदती खराब की हुआ मुझे समझ में नहीं आता ये देखें ये तैयार हो गई आप ऑयल छोड़ दिया इसने इसको हम इसका कर रहे हैं ये ऑफ पराठे के साथ बहुत अच्छी चपाती के साथ बहुत अच्छी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखिए ठीक है चार अफराद के लिए काफी होगा और इसके साथ साथ मैं इसको गार्निश करूंगी हरा धनिया से ये हरा धनिया और अदरक जो हमने आपको दिखाई थी 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लेके और इसको ये देखिए मैंने गार्निश किया आपके सामने आप बनाए पकाए घर वालों को खिलाए तो हम याद रखें मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें अल्लाह हाफिज़।